जो नाइक समाज जो है जिसमें एक चौथी देवी जो हमारे नाइक समाज की महिला है जिसकी मासवा के अंदर 2.5 बीघे जमीन थी, एक खंडेलवाल जो बनिया है उसने कोई मकान बनाने की एवजी के अंदर का तेरे मकान पर हमको लोन दे रहा देंगे, ऐसे झूठे कागजों पर साइन करा के पहले भी इसकी फर्जी रजिस्ट्री उनके खुद के नाम पर उनकी पत्नी रजनी खंडेलवाल के नाम पर करवा दी थी, जिसको भी हमने पहले संभागीय कमिश्नर साहब के यहाँ कैसी वर्मा जी के हमने चैलेंज किया था जब हमारे पक्ष में ऑर्डर आया था, उसके बाद फिर ये बनिया वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में जाके केवट लगवा दी थी। अब करीब एक महीना पहले हमारे पक्ष में ऑर्डर आ गया, रेवेन्यू बोर्ड ने ये कहा कि भाई इनका कागज पत्र लेके और नाइक समाज के नाम पे चौथी देवी के वारिशनों के नाम पे इनका म्यूटेशन खोल दिया जाए, तो ऑर्डर हमारे नाम पे आया, संबंधित तहसीलदार जी ने हमें नोटिस दिया, तुरंत हम कागज लेके हम पूरे परिजन यहाँ पहुंचे, तहसीलदार जी कहा कल करूंगा परसों करूंगा, मैं सुन रहा हूँ, बातें में रखते हुए तहसीलदार ने सामने वाली जो पार्टी जो खंडेलवाल पार्टी है उनसे पैसा लेके साठगांठ करके एससी की जमीन को जनरल के नाम पे उन्होंने म्यूटेशन खोल दिया। एक तरह का हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ बहुत बड़ा कुटारा घात हुआ है, पूरा परिवार हमारा रो रो के बुरे हाल है और आज के टाइम में हम बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए, पहले ही हम गरीब लोग हैं और हमारी जमीन को इन्होंने छीन लिया है और ये पहले बार ऐसा हुआ एसी की जमीन कोई जनरल के नाम पे म्यूटेशन खोल दिया, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज हम लोग यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर और हम लोग 4 मार्च को शहीद स्मारक पे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे और सीएम आर का हम घेराव करेंगे और हमारी यही मांग है कि तहसीलदार जी को सस्पेंड किया जाए, जो जो चाहे पटवारी चाहे गिरदावर जो भी इसके अंदर जिन्होंने किया है वो सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और उनका म्यूटेशन खारिज करके पुण्य चौथी देवी का जो परिवार है उनका वारिशन उनके नाम से म्यूटेशन खोला जाए, नहीं तो केवल यहाँ जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और ये 4 तारीख को हम सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं, आज हमने ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार साहब को। मेरे को तो ये पता है कि कोई 135(2) के अंतर्गत श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है जो उसके विरोध में ये सारे लोग आए हुए हैं। देखो इस प्रकरण का तहसीलदार जी को ही पता है, मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना सरसरी जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है और जिसमें तहसीलदार जी की जांच भी मतलब श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कराई जा रही है। अभी जो ज्ञापन सौंपा है ना उसको हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अभी मेल के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा, बाकी हार्ड कॉपी हम कल